देखिए, जिस तरह से मामला है कि खातून की जनवरी में कोई एक वीडियो जारी हुई थी जिसमें वो कुरान हाथ में पकड़कर हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, जिनका ताल्लुक पाप पार्टी से है, उन्होंने इनके बच्चों को और इनको जो है वो अगवा किया हुआ है और अपनी निजी जेल में कैद करके रखा हुआ है, और वो हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि उन्हें वहां से छुड़वाया जाए। साथ ही साथ उनकी बेटी के साथ उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरदार साहब जो है वो मुबैना तौर पर उस ज्यादती का निशाना भी बना रहे हैं, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुई और सोशल मीडिया की नजर होकर रह गई। लेकिन उसके बाद अब गुज़श्ता रोज जिस तरह से उस खातून की वीडियो जारी हुई, लाशें मिली, जिसने की वीडियो जारी हुई थी और उसके दोनों बेटों की लाशें मिली, तो उसके बाद जो मरी कबीला है उनमें गम गुस्से की लहर दौड़ गई। और आज नमाज जनाजा अदा करने के बाद कोहलू से मरी कबीले के जो लोग हैं वो उस खातून और उनके दोनों बेटों की लाशें लेकर जो है सीएम हाउस के पास पहुंच गए और यहाँ तकरीबन 6 बजे शाम से धरना दिए हुए बैठे हुए हैं और मुतालबा यही कर रहे हैं कि सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, जिन पर वो मुबैना इल्जाम लगा रहे हैं, कि उन्हें फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उन्हें डिस्ट्रीट किया जाए, जुडिशल कमेटी बनाई जाए। और इस खातून के मजीद 5 बच्चे जो इस वक्त भी सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में मौजूद हैं, उन्हें बाहिफाजत बाजियाब करवाया जाए। लवाहिकीन कह रहे हैं कि जब तक उनके ये अच्छा ये तमाम अच्छा ये मुतालबात जो बताइएगा तस्लीम नहीं ये होते। बताइएगा अब तक ये तो सारी चीज़ें इंतहाई इट्स अ वेरी शॉकिंग एंड सैडनिंग इंसिडेंट, ये ज़रा इस पे कि क्या वजह थी, खेतरान साहब ने क्यों इनको अपनी निजी जेल में रखा हुआ था, तो उसकी रीजनिंग का पता चला है कि व्हाट वाज द इशू, इससे पहले इतना बड़ा खौफनाक ट्रेजिडी है कि हर पाकिस्तानी यहाँ पर हिलकर रह गया है कि जितना जालमाना तरीके से सब कुछ ये हुआ है, लेकिन क्या वजह थी कुछ ही वो मैं नहीं जान सका कहीं से अब तक वो रिपोर्ट नहीं, व्हाट वर द रीजंस के वो क्यों इनको डिटेन किया हुआ था। देखिए, यहाँ पर जो लवाहिकीन मौजूद है उनकी जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि ये अफराद जो है उनके घर में मुलाजिम थे और मुलाजमत करते थे, और मुलाजमत के दौरान जो है सरदार साहब की जानिब से उनकी जो बेटी थी उसे मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया। जब उन्होंने इंसाफ की अपील की तो उसके बाद जब उनकी एक वीडियो जारी हुई तो सरदार साहब ने उन्हें इस वीडियो जारी होने के बाद अपनी निजी जेल में जो है वो मुंतकिल कर दिया, जहां उन पर तशद्दुद किया जाता रहा, उन्हें बार बार मारने की धमकियां दी जाती रही। ये लवाहिकीन की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है।